नमस्कार। जब स्टेम सेल थेरेपी भी असफल हो जाती है, फेल हो जाती है, न्यूरोथेरेपी उसके आगे भी काम करती है। घुटने के दर्द के लिए आपने स्टेम सेल थेरेपी ली लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आज न्यूरोथेरेपी में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। ऐसी शेयरिंग आपके साथ मैं कराऊंगा। मेरे साथ में है, अपना परिचय भी बताएं, कहां से पधारी हैं ये भी बताएं, क्या तकलीफ थी, क्यों मेरे पास आई और आज कैसी हैं, जरा जानकारी दें। मेरा नाम सुरिंदर कौर है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरे घुटनों में काफी दर्द था तो मैंने स्टेम सेल थेरेपी करवाई। उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मैं चल सकती थी, ना मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं चल सकती हूँ, और मेरे को फिर कमर में भी दर्द होने लगा। फिर मैंने YouTube में देखा कि आचार्य जी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना कि यहाँ आने के बाद वो ठीक हुए, तो मेरा मन भी करा कि मैं क्यों ना जाके आचार्य जी से मिलूं। और मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आने से मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है। अब मैं थोड़ा सा चल भी अच्छे से सकती हूँ और मेरी कमर में दर्द भी ठीक है। मेरे पैरों में दर्द था, पिंडियों में, वो भी थोड़ा आराम है। नमनेस थी, वो भी ठीक हुई। और मैं तो सोचती हूँ कि जितने भी लोगों को इस तरह की तकलीफें हैं वो इधर उधर भटकने से अच्छा सीधे यहाँ पे आए और आचार्य से मिले और उनकी सेवाओं का लाभ लें। और यहाँ पे बहुत जो उनका स्टाफ है बहुत ही प्यारा स्टाफ है, बहुत सेवा भावी है। आचार्य जी भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं, पेशेंट को खुश कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके देर न लगाते हुए सीधे आचार्य जी से मिले और दवाइयों से मुक्ति पाए और अपने बीमारियों से भी मुक्ति पाए और रोते रोते आए और हंसते हंसते जाए। क्या मैं तो सोचती हूँ कि आचार्य जी को मेरी भी उम्र लगे जो ऐसी सेवा करने हैं। इन्होंने अपने घुटने की शेयरिंग की, कमर की शेयरिंग की, तकलीफें बहुत सारी थी जो भूल गई और मैं चाहता हूँ कि भूल ही जाए, ज्यादा अच्छा है वो तकलीफें छोड़ दी बात जाए। बिल्कुल, कंधा भी दर्द था, हाँ जी, भी दर्द था, पिंडलियां भी दर्द थी, है ना, गैस भी बनती है जी। इनके साथ में इनकी बेटी भी है और यही लेकर आई है, जरा अपनी अपनी बातचीत बताइए। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए हैं शुरू से लेके। एक्चुअली इनको नीज में प्रॉब्लम के साथ कारण कमर में ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी और ये जो सोशल इतना एक्टिव थी वो अब कुछ सालों से नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ का पता चला और अब ट्रीटमेंट लिया है। तो और रात भर ही अपने एक पैर से दूसरे पैर को मारती थी, पिंडलियों में बहुत दर्द था। अब 8 दिन से मैं देख रही हूँ अच्छे से सो रही है और चल भी खुद से रही है बिना मेरा सहारा लिए। बहुत मतलब 8 डेज में जितना फर्क आना चाहिए था आई थिंक सो कि उससे कहीं गुना ज्यादा आया है। तो नाउ शी इज फीलिंग वेल। हाँ, तो अब जरा एक बार थोड़ा चल के दिखा दो। हाँ, वेरी गुड, आ जाओ वापस। नहीं तो पहले दिन आपको ऐसा लग रहा था जैसे शराब पी के आई हूँ, सच में नहीं, तो ऐसे है पूरा बैलेंस नहीं बन पाता, बैलेंस ऐसा लगता था जरे लड़खड़ाती हूँ, तो बहुत अच्छा है ना, अब बढ़िया है, मेहरबानी जी और उसकी कृपा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी इनका अपना भरोसा ये ठीक हो जाएंगी ये लगभग खोता चला जा रहा था क्योंकि एज भी 70+ है। ये तो इनकी बेटी को श्रेय जाता है कि इन्होंने देखा, सर्च किया। अच्छा, आप दोनों में से थाना किसने था? अच्छा, आपने थाना था? थाना था इन्होंने। मैं कैसे भी ले आऊंगी, कोरोना है, कैसे भी लाना पड़े मैं लेके चलूंगी। अच्छा, पर विश्वास था, विश्वास उनका था, विश्वास उनका था। ओके ओके ओके, बैठिए। तो इस उम्र में 70 साल में भी ठीक हो? अच्छा, स्टेम सेल थेरेपी कहाँ कराई थी आपने? इंदौर में कराई थी, सहज अस्पताल में, इंदौर में कराई थी। तो 70 इयर्स की एज में अगर घुटने ठीक होना शुरू हो जाते हैं,
इसका मतलब है बचपन फिर से रिवर्स हो रहा है, बुढ़ापा जा रहा है जवानी नहीं बचपन, क्योंकि यही स्थिति धीरे धीरे बेड पर पड़ जाती है। और फिर जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं पकड़ते हैं, ठीक वही कंडीशन इधर इनकी बनती है। तो अब ये इनका बचपन से फिर से जवानी, तब इस प्रकार की प्रक्रिया में ये जाएंगी, ऐसी यहां ट्रीटमेंट की बात बना है, दोबारा से इनको चलने का क्रम आया है। आप सोचिए कितना जिएंगे ये तो किसी को पता नहीं, कैसे जिएंगे, लेकिन कैसे जिएंगे ये बहुत जरूरी है। अभी 70 साल हुई है, 30 साल तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड, भगवान की तरफ से सर्टिफाइड इनकी जिंदगी है, क्योंकि 100 साल की एक्सपायरी डेट होती है इस बॉडी की, ऐसा ही एक्सपायरी भाई एक्सपायरी डेट 100 साल है, 30 साल है। 30 साल जब कल्पना करे आदमी कि मुझे बेड पर बीतेंगे, बिस्तर पर जाएंगे, टट्टी पेशाब भी करना मुश्किल हो जाएगा, ये सिर्फ वही सोच सकता है, वही फीलिंग कर सकता है, उसके अंदर क्या चल रहा है सिर्फ वही देख सकता है। दोस्त परिवार पड़ोसी और घर के रिश्तेदार उस चीज को सहानुभूति तो रख सकते हैं, उतना सोच नहीं सकते, क्योंकि दर्द जिसको होता है उसी को पता होता है कैसी गुजर रही है, बाकी लोग तो खड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसके 30 साल क्वेश्चन मार्क पर आ गए हों, अंधकार में आ गए हों, अगर आशा की किरण जग जाए तो मुझे लगता है मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो मैं बड़ा लकी हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स शुभकामनाएं मुझे मिलती है, और ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण ही लोगों को मैं आरोग्य पीठ में आरोग्य लाभ दे पाता हूं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये इनकी ब्लेसिंग्स और ऊपर वाले की कृपा यही सबसे बड़ी चीज है। तो आप भी अगर कहीं आपके परिवार में कोई सफर कर रहा है, रिश्तेदारों में सफर कर रहा है, तो चूंकि मन ये ठीक हुए हैं आप और आपके भी ठीक हो जाएंगे, इतनी मेरी और इनकी भरोसा है। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सावधानी रखना, आने वाले दिनों में प्रिकॉशंस लेना। नॉर्मली इस घुटने की तकलीफ को ठीक होने में समय लगता है, पर 8 दिन में इन्होंने 3-3 थेरेपी रोज ली है, यानी 8 ही दिन में 24 थेरेपी ली है, 24 थेरेपी ली है, क्योंकि दूर से आए हैं तो ये इस तरह से इन्होंने किया है। अभी दोबारा फिर फरवरी में आएंगे, क्योंकि एकदम ओके होना है, ओके होना है, ओके ऐसा होना है, बीच बीच में रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो बस तब तक सावधानी रखना, ठीक रहना। मैं भगवान से वाहेगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इनको अच्छा स्वास्थ्य देना, खुश रखना, मस्त रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।